जी छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम इकाई 3 में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में चर्चा कर पूर्व में हमने देखा था कि निजी क्षेत्र क्या कहलाते हैं। देखा था हमने निजी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। यहां पर जो है निजी क्षेत्र जो है एकल व्यवसाय के रूप में, साझेदारी के रूप में और कंपनी के रूप में, और इसके अलावा जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो यहां पर निजी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनमें पूंजी स्वयं की या निजी व्यक्तियों के समूह की लगी होती है और स्वामित्व भी उनका स्वयं का होता है। संपूर्ण प्रबंध और संचालन जो है वो निजी हाथों में। तो इसका हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब यहां हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर। तो सार्वजनिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिसमें पूंजी शासन की सरकार के द्वारा लगी होती है, प्रबंध एवं संचालन संबंधी जो भी व्यवस्था है वो सरकार के हाथ में होती है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र जो है, जिस प्रकार से निजी क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन करती है, उनको सेवा प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र भी यहाँ पर उत्पादन करता है और लोगों को सेवा प्रदान करता है। तो हम विस्तार से आगे देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतः सरकार की वे सभी औद्योगिक एवं आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंध के अंतर्गत संचालित होती है। तो यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो सरकार के द्वारा औद्योगिक और जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका संचालन जो है सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो भी स्वामित्व है और जो भी प्रबंध की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा संचालित। तो जिस प्रकार से हम निजी क्षेत्र में देखते हैं कि निजी क्षेत्र का जो जिस तरह से अपने उपभोक्ताओं को मूल्य प्राप्त करके उनके बदले में माल या सेवाएं प्रदान कर, लेकिन यहाँ पर निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना। तो ठीक इसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र भी यहाँ पर अपने उपभोक्ताओं को अपने द्वारा उत्पादित माल को उनको बेचता है, सेवाओं को उनको बेचता है और इस प्रकार से उनकी आपूर्ति करता है। तो यहाँ हम देखते हैं इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो हैं, सरकारी स्वामित्व वाले निर्माणी उद्योग, खनन क्रिया और सेवा उद्योग से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, तो जिसमें रेल हो गई, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल वायु परिवहन, डाक व तार आदि सम्मिलित हैं। तो ये क्षेत्र कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। इसके बाद हम देखेंगे विशेषताएं, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो स्वामित्व की बात करें हम, तो स्वामित्व जो होता है इसमें केंद्र या राज्य सरकार का होता है। यहां पर जो भी स्वामित्व है, जो भी प्रबंध है, संचालन है, ये राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर या स्थानीय शासन के द्वारा इस पर स्वामित्व इनका होता है। दूसरा बिंदु यहां पर जो है उत्पादन व आपूर्ति। तो उत्पादन और आपूर्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा जो भी उत्पादन होता है उसकी आपूर्ति सभी के बीच में बराबर बराबर रूप से की जाती है, अर्थात जो भी उत्पादन होता है उसकी आपूर्ति सभी उपभोक्ताओं में प्रॉपरली होती है। तीसरा बिंदु जो है यहाँ पर पूंजी एवं तकनीक। तो पूंजी एवं यदि तकनीक की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि पूंजी और तकनीक जो है काफी उच्च स्तर की होती है, बहुत अधिक मात्रा में पूंजी लगती है सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करने में, तकनीक भी मशीनरीज भी बहुत हाई क्वालिटी की उच्च स्तर की होती है, तो इतनी पूंजी जुटा पाना निजी क्षेत्र के लिए संभव नहीं होती। तो यहाँ पर जो पूंजी होती है सरकार की पूंजी होती है और जो तकनीक है वो भी काफी उच्च स्तर की होती है। फिर अगला बिंदु है यहाँ पर एकाधिकार प्रवृत्ति।
तो एकाधिकार प्रवृत्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन व आपूर्ति इसमें करना होती है जिनकी प्रवृत्ति जो है एकाधिकारी होती है। तो इसका उद्देश्य जो है निजी क्षेत्र को आधिकारिक लाभों से वंचित कर इन समूहों का समाज में न्यायोचित वितरण करना। तो यहाँ पर जो भी उत्पादन है, उत्पादन का न्यायोचित ढंग से समाज में वितरण करना, यहां पर जो भी उत्पादन है वो सभी में समान रूप से न्यायोचित ढंग से पूरे समाज के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो और एकाधिकार की जो प्रवृत्ति उत्पादन इनके द्वारा जो भी किया जाता है वो इस प्रकार का उत्पादन है कि जो सभी में समान रूप से वहां पर समाज में वितरण किया जा सके। फिर अगला बिंदु है प्राकृतिक संसाधन का। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत जो भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है वो दीर्घकालीन समय तक के लिए उनका उपयोग किया जा सके, मतलब यहां पर दीर्घकालीन समय तक उपयोग किया जा सके। यदि ये प्राकृतिक संसाधन निजी क्षेत्र में यदि यूज होते हैं तो निजी क्षेत्र अपने बहुत अधिक लाभ कमाने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को क्या करने लगते हैं, विदोहन करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधन जो है तेजी से घटने लगते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इन प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि उन प्राकृतिक संसाधनों का हम लंबे समय तक उपयोग कर पाते। सार्वजनिक क्षेत्र समाज के लिए, देश के लिए किस प्रकार से लाभकारी हैं, इनके गुण क्या हैं, इनका महत्व क्या है, यहाँ हम देखते हैं। पहला बिंदु जो है हमारा योजनाबद्ध विकास। हमारी भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के विकास के लिए जो है सार्वजनिक उद्योगों या सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा व्यवसाय के महत्व को स्वीकारा गया, इसीलिए ताकि देश का जो संपूर्ण विकास है वो योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। तो किसी भी देश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है देश के आर्थिक विकास में योजनाबद्ध ढंग से विकास करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो योजना के अनुसार, योजना के अनुसार सभी क्षेत्रों में उपक्रमों का विकास किया जाए। तो इससे क्या होता है, देश का जो है योजनाबद्ध तरीके से विकास होता है। फिर दूसरा बिंदु जो है हमारा तीव्र आर्थिक विकास। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम बड़ी मात्रा में सरकार के द्वारा जो है उद्योग व्यापार व्यवसाय की स्थापना की जाती है। तो इसमें जो श्रम पूंजी संसाधन का उचित उपयोग होता है होने से तीव्र विकास हो। तो यहां पर जो है
देश का तीव्र तेजी से श्रम पूंजी जो भी संसाधन है उनका बहुत बेहतर ढंग से तेजी से उपयोग होता है तो देश का तीव्र विकास होता है। फिर हम बात करें आधारिक संरचना का विकास, तो इसके अंतर्गत आधारिक संरचना के विकास के अंतर्गत जैसे कि रेल हो गए, आपके डाकतार हो गए, दूरसंचार हो गए, बैंकिंग हो गई, इन संरचनाओं का विकास जो है वो तेजी से होता है। तो रेल, सड़क, डाक, दूरसंचार, बैंकिंग आदि का विकास तेजी से होता है। जो भी आधारिक बेसिक संरचना है सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास से रेल, डाक, दूरसंचार, बैंकिंग, इनका तेजी से विकास होता है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें जन उपयोगी वस्तुएं व सेवाएं, तो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से परिवहन, संचार, बिजली, दवाइयां, गैस, जल आपूर्ति आदि उद्योग जो हैं सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है इनको शीघ्रता से उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इनमें जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, तो यहाँ पर जन उपयोगी वस्तुओं सेवाओं में चूंकि निजी क्षेत्र का अधिकतम उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो यहाँ पर जब बात करें हम यदि जन उपयोगी वस्तुओं व सेवाओं, तो बहुत सारी जो आम उपभोक्ताओं के उपयोग की वस्तुएं हैं, जो सेवाएं यदि वो निजी क्षेत्र में चली जाती हैं तो बहुत से वो अपनी कीमतों में वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से है परिवहन के संसाधन के द्वारा हो गया, संचार हो गया, दवाइयाँ हो गई, बिजली, गैस व जल आपूर्ति आदि, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से उच्च कीमत पर यहाँ पर जन उपयोगी वस्तुओं और सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद बात करें हम संतुलित क्षेत्रीय विकास की, तो ऐसे क्षेत्र जो औद्योगिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिन क्षेत्रों में उद्योग व्यवसाय बहुत कम मात्रा में, ऐसी स्थिति में वहाँ पर रोजगार की कमी होती है, तो यहाँ पर रोजगार की पूर्ति का उद्योग व्यवसाय की स्थापना का संतुलित क्षेत्रीय विकास किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में उद्योग व्यापार व्यवसाय बहुत कम मात्रा में है, तो उन क्षेत्रों पर सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है और उन क्षेत्रों में उद्योग व्यापार व्यवसाय की स्थापना करके जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं धन व सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक, तो यहाँ पर चूंकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, अधिकतम लाभ कमाना होता है, यदि सारे उद्योग व्यापार व्यवसाय निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए तो ऐसी स्थिति में धन व सत्ता का क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। तो इस स्थिति से के लिए जो है वो क्या करेंगे, समाज का शोषण करेंगे, अतः इन उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित करके जो है धन व सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रों में
स्थापना का धन व सत्ता केंद्रीकरण पर रोक लगती है। अगला बिंदु है अधिकतम रोजगार प्रदान करना। सार्वजनिक इकाइयां जो होती हैं बहुत बृहद स्तर पर बड़ी मात्रा में होती हैं, अधिक से अधिक लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में जो है रोजगार की समस्या को सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से बहुत हद तक हल किया जा सकता है। रोजगार की समस्या हल होता है। तो यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, लोगों की रोजगार की समस्या हल होती है और इससे जो है समाज में उनका स्तर भी बढ़ता है। फिर बात करें हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जैसा कि पूर्व में बताया था कि निजी क्षेत्र जो है अपने अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर जो है विदोहन करते हैं, एक प्रकार से शोषण करते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र जो है इन प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालीन स्थिति तक उपयोग तक बनाए रखने के लिए करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से जो है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। द्वारा प्राकृतिक संसाधन बेहतर उपयोग तो इस प्रकार से यहां पर हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो महत्व है वो देश के योजनाबद्ध विकास से जुड़ा हुआ है, देश के तीव्र आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से जो है आधारिक संरचना का विकास होता है, साथ ही जन उपयोगी जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं वो आम उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं। वहीं संतुलित रूप से क्षेत्र का विकास होता है, ऐसे क्षेत्र जिन उद्योग क्षेत्रों में रोजगार के अंतर्गत जो है विभिन्न उद्योग स्थापित नहीं है वहाँ पर जो है सरकार के द्वारा उद्योग और व्यापार व्यवसाय की स्थापना की जाती है और उस क्षेत्र का संतुलित रूप से विकास होता है। वहीं धन व सत्ता का केंद्रीकरण पर रोक लगती है, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की प्राप्ति होती है और प्राकृतिक संसाधनों का जो है बेहतर ढंग से उपयोग होता है। देखिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो स्वामित्व की बिंदु के अंतर्गत हम बात करते हैं निजी क्षेत्र और दूसरा ये सार्वजनिक। पहला बिंदु जो है हमारा स्वामित्व का। स्वामित्व के अंतर्गत हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र में निजी उद्यमियों का स्वामित्व होता है। तो निजी उद्यमियों का स्वामित्व यहां पर जो है निजी उद्योगपति जो है निजी व्यवसायी जो है उनका यहाँ पर स्वामित्व होता है, जबकि यहाँ पर जो भी स्वामित्व प्रबंध है स्वामित्व
व प्रबंध सरकार के पास होता है। पहले बिंदु के अंतर हम देखते हैं कि यहां पर जो है स्वामित्व के अंतर्गत निजी उद्यमियों का स्वामित्व होता है, जबकि इसमें स्वामित्व सरकार के पास होता है। दूसरा बिंदु जो है हमारा उद्देश्य, यहां पर जो उद्देश्य की बात करें हम, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत, तो इसमें जो है इसका उद्देश्य जो होता है व्यक्तिगत लाभों को अधिक करना, व्यक्तिगत लाभों को अधिक यहां पर जो उद्देश्य की बात करें हम, तो निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ को अधिक करना, अर्थात अधिक से अधिक लाभ कमाना जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो तो हो क्या होता है, सामाजिक लाभ को प्राप्त करना, सामाजिक लाभ को प्राप्त करना। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, यहां पर सामाजिक लाभ को प्राप्त करना। अगला बिंदु जो नियंत्रण का है, नियंत्रण यहां पर निजी हाथों में होता है, निजी हाथों में नियंत्रण होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में जो नियंत्रण है वो सरकार के पास हो। सरकार के पास होता है। तो नियंत्रण की बात करें हम, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नियंत्रण है वो निजी उद्यमियों के पास होता है, उन्हीं के स्वामित्व में होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी नियंत्रण होता है वो सरकार के पास होता है। अगले क्रम में हम बात करें संतुलित विकास की, तो यहाँ हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र में जहाँ लाभ होता है पूंजीपति या उद्योगपति, उसी क्षेत्र में अपने उद्योग व्यापार व्यवसाय की स्थापना करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जहां पर रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि देश के सभी ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना होने से देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित तरीके से विकास होता है। दूसरी बात करें हम यहाँ शोषण की, तो निजी क्षेत्र में जो है बहुत अधिक मात्रा में शोषण का भय बना होता है। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र जो है उनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो इस स्थिति में बेरोजगारी व शोषण का भय जो है निजी क्षेत्र में हमेशा बना रहता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों की जो स्थापना की जाती है वह रोजगार वृद्धि के लिए की जाती, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। पर प्राकृतिक संसाधनों की हम बात करें तो लाभ की अधिकता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित ढंग से उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक व अनुचित उपयोग होता है।
जबकि यहां सार्वजनिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बेहतर ढंग से बेहतर होता है। यहां पर जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बेहतर ढंग से होता है। इसके बाद हम बात करें धन व सत्ता के केंद्रीकरण की, तो निजी पूंजी होने से जो है यहाँ पर केंद्रीकरण होता है। निजी पूंजी होने से केंद्रीकरण हो जाता है। वहीं ये केंद्रीकरण पर रोक लगाता है। तो इस प्रकार से हम यहां देखते हैं कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में जो अंतर है, स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र में पूंजी स्वयं की लगी होती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी शासन की लगी होती है। उद्देश्य की बात करें तो निजी क्षेत्र का उद्देश्य जहां लाभ कमाना होता है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जो है वो सामाजिक सेवा करना होता है। नियंत्रण की बात करें तो यहां पर निजी क्षेत्र में नियंत्रण जो होता है वो निजी घातों का होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है। वहीं संतुलित विकास की बात करें हम तो निजी क्षेत्र में जहाँ लाभ होता है उसी क्षेत्रों में पूंजीपति जो है उस क्षेत्र में अपने उद्योग व्यापार व्यवसाय को स्थापित करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहाँ पर उद्योग व्यापार व्यवसाय अविकसित मात्रा में उन क्षेत्रों में स्थापित करके वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं शोषण की बात करें तो शोषण में जो है आपके निजी क्षेत्र में बेरोजगारी व शोषण का भय बना रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है रोजगार वृद्धि होती है, अधिक से अधिक लोगों को काम मिलता है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें यहाँ तो क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ की अधिकता के लिए जो है प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित ढंग से उपयोग करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में इन संसाधनों का दीर्घकाल समय तक के लिए लंबे उपयोग के लिए बेहतर ढंग से इसका उपयोग किया जाता है। वहीं धन व सत्ता के केंद्रीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो है निजी पूंजी होने से धन और सत्ता का जो है केंद्रीकरण निजी क्षेत्र में होता है। जब ये कुछ अभ्यास के प्रश्न है आपके सामने, सार्वजनिक क्षेत्र का आशय व अर्थ लिखिए, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, इस आशय से सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व समझाइए, और अंतिम जो प्रश्न है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर